हाय फ्रेंड्स, लेट्स डू सम गुड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। पहला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% प्योर सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर्स ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बड़े ध्यान से। हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। दिस सॉल्यूशन शुड बी 5 लीटर्स एंड द मोलैरिटी शुड बी 0.5 मोलर। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मोलैरिटी का मतलब है एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स पाए जाएंगे। तो अगर 0.5 मोलर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी कंटेनिंग 0.5 मोल्स। तो अगर एक लीटर के अंदर 0.5 मोल्स हैं, तो क्वेश्चन में तो मुझे 5 लीटर्स दिए हुए हैं, तो 5 लीटर्स के अंदर कितने होने चाहिए? 5 × 0.5 = 2.5 मोल्स। तो अगर मैं पानी लूं और उसमें 2.5 मोल्स Na2CO3 के डाल दूं, तो 5 लीटर्स 0.5 मोलर सॉल्यूशन बन सकता है। 5 लीटर पानी लिया और उस 5 लीटर में 2.5 मोल्स Na2CO3 के डाल दी। पर अब ये जो 95% वाला कंडीशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो मैं लेके आ रहा हूँ बाजार से, वो 100% प्योर नहीं है, वो 95% प्योर है। तो अगर मैं लॉजिकली समझूं तो मुझे बाजार से ज्यादा लेके आना पड़ेगा, और उस ज्यादा अमाउंट में से 5% तो इम्प्योरिटी है जो कि हमारे लिए वेस्टेज है, तो वो वेस्टेज साइड में हो जाएगी। तो बाकी का जो 95% है वो हमारे काम में आना चाहिए। तो बेसिकली स्पीकिंग, अगर Na2CO3 का मोलर मास देखा जाए, सोडियम इज 23 × 2 = 46, प्लस कार्बन इज 12, प्लस ऑक्सीजन इज 16 × 3 = 48, सो दैट गिव्स मी 106। तो Na2CO3 का जो मोलर मास है, दैट इज 106। तो एक मोल का वेट होता है 106, तो 2.5 मोल्स का वेट कितना होगा? 2.5 × 106। तो इतना ग्राम प्योर Na2CO3 मुझे चाहिए जो मैं 5 लीटर पानी में डाल के एक सॉल्यूशन बनाने वाला हूं। बट द प्रॉब्लम इज 95% प्योर है। तो लेट्स सपोज आई हैव टेकन x ग्राम्स ऑफ इम्प्योर Na2CO3 जो मैं मार्केट से लेके आया, x ग्राम्स, इसका 95% शुड बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड अमाउंट, दैट इज 2.5 × 106। इसकी कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो सिंपल फंडा ये, x द अमाउंट विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मैं बाजार से कितना लेके आऊं, और जो मैं बाजार से लेके आ रहा हूं वो इम्प्योर है। तो इम्प्योर वाला अमाउंट है x, इस x में से 5% तो वेस्टेज हो गया, तो बाकी का जो 95% है दैट शुड बी प्योर Na2CO3। तो x का वैल्यू आ गया 2.5 × 106 / 95 × 100। आप इसको घर पे सॉल्व करके देख सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। इस तरह के और बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।